नमस्कार दोस्तों, महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जिनका नाम अभी लिस्ट में आया है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, या जिनका नाम नहीं आया है, नंबर 4 नंबर 5 नंबर से, या उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को 13 जून को ध्यान रखेंगे। 13 जून को भोपाल में पद वृद्धि के लिए महा आंदोलन रखा गया है दोस्तों, क्योंकि पास में चुनाव है। अब नहीं, अगर आप लोग भोपाल आते हैं तो समझ लेना कि आपको वर्ग 3 की जॉब नहीं मिल पाएगी। आप अपने हक के लिए ही नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए इस बार सबको भोपाल आना है, क्योंकि लगातार वहाँ पर टीम काम कर रही है। भूख हड़ताल पर लोग जो है वहाँ पर रोजाना धरना में बैठे हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, डेली मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला जाहिर करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। 13 तारीख को महा आंदोलन रखा गया। हमारी मांग होगी 51,000 पद वृद्धि की जो रही, जिसमें से 25-26 की डिमांड हो चुकी है हमारी। अभी जो 25-26 हज़ार पद और बचे हैं वो भी अगर आ जाएंगे तो साथियों जितने पास आउट हैं सभी लोगों को हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं, ज़्यादातर ST को बैकलॉग पद दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC कैटेगरी है, EWS है, इनके पद ही नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है ऑल कैंडिडेट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से प्रार्थना है, क्योंकि आप लोगों के हक के लिए अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हमसे जितना सहयोग हो रहा हम पूरा उतना सहयोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब लोग 13 जून को भोपाल पहुंचिए। इस पदवृद्धि आंदोलन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आप तक जो है मिलती रहेगी। साथियों, लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट से, सभी लोग 13 तारीख को भोपाल इस धरना प्रदर्शन में जरूर पधारें, क्योंकि आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि अब अंत समय है, चुनाव नज़दीक है, अभी अगर हम लोग नहीं लड़े, अभी अगर हम पदवृत्ति नहीं कर सके तो कब करेंगे। बिहार में दोस्तों 21,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आप लोग देख सकते हैं अदर राज्य में कितनी वैकेंसी आ रही है, और अपने मध्य प्रदेश में ना के बराबर वैकेंसी आ रही है, जिसमें भी पक्षपात किया जा रहा है। किसी विशेष कैटेगरी को बैकलॉग के रूप में पद दे करके अन्य कैटेगरी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी विषमताओं को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को जो है हमें प्रभावी बनाना है, सफल बनाना है, और आप सब पधारिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अगला अपडेट दूंगा, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।